दलित दूल्हे की बारात में पुलिस ही पुलिस। दलितों के घोड़ी चढ़ने में क्या दिक्कत है? यूं तो ये तस्वीरें बारात की हैं, लेकिन इस बारात में बारातियों से ज्यादा पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहीं किसी नेता या वीवीआईपी की शादी तो नहीं है, जो सुरक्षा के इंतजाम में पुलिस का पूरा अमला तैनात कर दिया गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इन पुलिस वालों के यहाँ आने की वजह ये है कि जो दूल्हा घोड़ी पर सवार है उसकी जाति दलित है। जी हाँ, एक दलित घोड़ी चढ़कर अपनी बारात निकाल सके, इसके लिए यूपी पुलिस को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ गई। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से आई हैं। बुलंदशहर में सीआरपीएफ के दलित जवान गौरव गौतम की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में बारात निकाली गई। घुड़चड़ी की रस्म के दौरान गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। गांव गडाना में 9 महीने पहले हुए जातीय खूनी संघर्ष के बाद दलित बारात नहीं निकाल पाते थे। बुलंदशहर जनपद के ककोड़ कोतवाली इलाके के गांव गडाना में रहने वाले सीआरपीएफ के दलित फौजी गौरव गौतम ने पुलिस सुरक्षा में शादी की और सभी रस्में अदा की। बाकायदा दूल्हे गौरव के घर पर पुलिस के जवान तैनात रहे और साथ ही घुड़चड़ी के रास्ते पर भी जवान तैनात रहे। यही नहीं, घोड़ी के आगे पीछे और बीच में भी सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दलित जवान गौरव गौतम की बारात पूरे गांव में डीजे की धुन पर निकाली गई। दरअसल बुलंदशहर के ककोड़ कोतवाली के गांव गडाना में जुलाई 2021 में दलितों की घुड़चड़ी के दौरान गांव में जातीय खूनी संघर्ष हुआ था। कहा जाता है कि सवर्ण जाति के लोगों ने उनके घर के आगे से दलितों के बारात निकालने का ऐतराज जताया था, जिसके बाद गांव में जातीय संघर्ष हो गया था और इसी संघर्ष के दौरान एक ग्रामीण की हत्या भी कर दी गई थी, जिसके बाद से गांव में दलित दहशत के चलते बारात नहीं निकाल पाते थे। सीआरपीएफ के दलित जवान गौरव गौतम ने गांव में घोड़ी चढ़ बारात निकालने और शादी की सलामती के लिए बुलंदशहर के एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की और उन्होंने कहा कि पिछली बार जो हुआ था उसकी आशंका अभी भी है। एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने इसके बाद गौतम की मांग पर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों की तैनाती की और गाँव में बारात सही तरीके से निकाली जा सकी। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच शादी कर रहा दलित दूल्हा खुश नजर आया और ग्रामीणों से गांव में सौहार्द स्थापित करने की अपील की, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक जातिवादी अपनी घटिया मानसिकता को ढोते रहेंगे और एक दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए भी पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।